लंबे समय से पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे लोगों को एक और बड़ा झटका लगने वाला है। जी हाँ, हरियाणा में पंचायत चुनाव जल्दी करवाने का कोई भी इरादा नहीं है सरकार का। हाईकोर्ट में सरकार ने ये जानकारी दी है और ये अभी अभी की बहुत बड़ी खबर है कि हरियाणा में पंचायत चुनाव का इंतजार और भी लंबा होने वाला है। और ये खबर हम पूरी आपको बताएंगे कि क्या कहा है हाईकोर्ट में सरकार ने, तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सरकार आए दिन चुनाव से जुड़े बड़े बड़े दावे कर देती है। कभी इलेक्शन अभी इस महीने में हो जाएंगे, कभी दो महीने में होंगे, कभी बोल देती है कि सारी तैयारियां हमने पूरी कर ली हैं, और इसके बावजूद भी अभी इलेक्शन करवाने का सरकार का कोई भी इरादा नहीं है। और हाईकोर्ट में सरकार ने ये जानकारी देते हुए कहा है, हरियाणा में पंचायती चुनाव का इंतजार कर रहे लोगों को थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सरकार ने कहा कि फिलहाल पंचायती चुनाव जल्द करवाने का कोई भी इरादा नहीं है। दरअसल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में गुरुग्राम के जटोला गांव के प्रवीण चौहान ने कोर्ट में पंचायत चुनाव के आरक्षण को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता ने पंचायत विभाग द्वारा 15 अप्रैल 2021 को अधिसूचित हरियाणा पंचायती राज द्वितीय संशोधन अधिनियम 2020 को भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक बताते हुए निरस्त करने के निर्देश देने की मांग की है। अधिनियम में संशोधन के अनुसार पंचायती राज में सीटों का 8% BCA श्रेणी के लिए आरक्षित किया जाना और न्यूनतम सीटें 2 से कम नहीं होनी चाहिए, जो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। हरियाणा में 8% के अनुसार केवल 6 जिले हैं जहां 2 सीटें आरक्षण के लिए निकलती हैं, अन्यथा 18 जिलों में केवल 1 सीट आरक्षित की जानी है। जबकि सरकार ने 15 अप्रैल 2021 की अधिसूचना के माध्यम से सभी जिलों में BCA श्रेणी के लिए 2-2 सीटें आरक्षित की हैं, जो कानूनन गलत है। उन्हें जटोला गांव के प्रवीण चौहान हैं, उन्होंने आरक्षण को चुनौती देते हुए ये बात कही है। अब इसके बाद हम पूरी खबर आगे देखेंगे। अधिनियम में संशोधन जिला परिषद की जनसंख्या 2021 में BCA आबादी को दिखाए बिना कर दिया गया है, यानी कि BCA की जितनी आबादी है उसको बिना दिखाए ही अधिनियम में संशोधन कर दिया गया है। और इसके बाद जबकि BCA आबादी को दिखाने वाला एक अलग कॉलम होना चाहिए ताकि आरक्षण के साथ साथ रोटेशन भी स्पष्ट रूप से देखा जा सके। याचिका के अनुसार पंचायती राज अधिनियम में नया संशोधन किया गया है और पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए नए प्रावधान किए गए थे, लेकिन तथ्यों की सही जांच किए बिना ही जिस तरीके से BCA के लिए 8% के लिए अलग आरक्षण प्रदान कर दिया गया है, यह उचित नहीं है। ड्रा और रोटेशन प्रक्रिया का पालन कैसे किया जाए, यह स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। याचिका के अनुसार सरकार की आरक्षण नीति अवैध और असंवैधानिक है। याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि नए प्रावधान तय सिद्धांतों और अदालतों द्वारा पारित फैसलों की अनदेखी करते हुए बनाए गए हैं। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रविशंकर झा और जस्टिस अरुण पल्ली पर आधारित बेंच ने सरकार को इस मामले में नोटिस जारी कर जवाब देने का आदेश दिया है। इस पर सरकार ने जल्द चुनाव न करवाने का भी कोर्ट को आश्वासन दिया और इसी के साथ हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 20 अगस्त तक स्थगित कर दी है। इसका मतलब है कि जब तक राज्य में पंचायती राज संस्था का कोई भी चुनाव नहीं होगा 20 अगस्त तक। अब सरकार बार बार ये भी बोलती जा रही है कि 22 अगस्त को फैसला आएगा, पर 22 अगस्त को संडे है, उस दिन फैसला कैसे आ सकता है। और ये 20 अगस्त, अब हाईकोर्ट ने बताया है कि 20 अगस्त तक ये सुनवाई स्थगित कर दी है और उसके बाद ही कोई सुनवाई हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पंचायत चुनाव में अभी और देरी होने की संभावना है और अभी इलेक्शन होने की अभी आसपास में कोई भी संभावना नहीं दिख रही है, क्योंकि याचिकाओं का फैसला भी अभी तक नहीं आया है और पंचायत चुनाव करवाने के लिए सरकार बार बार अपने ही खुद के बयानों से सरकार बार बार में पलट जाती है। दुष्यंत चौटाला जी और हमारे मुख्यमंत्री जी बार बार ये बयान दे देते हैं कि पंचायत चुनाव में कोई देरी नहीं की जाएगी, और कभी बोल देते हैं कि अभी माहौल ठीक नहीं है, अभी थोड़ा और समय लगेगा। तो इसको देखते हुए अभी लग नहीं रहा कि इलेक्शन जल्द ही सरकार
करवा लेगी। तो ये थी एक बहुत बड़ी अपडेट हरियाणा पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई। ये बहुत बड़ा झटका है उन उम्मीदवारों के लिए जो बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। लगभग उनको तैयारी करते हुए एक साल होने वाला है, क्योंकि 24 फरवरी तक इलेक्शन हो जाने चाहिए थे और उससे पहले 6 महीने पहले लोग तैयारी में जुट जाते हैं अपने मतदाताओं को मनाने के लिए। और इसीलिए ये बहुत बड़ा झटका लगा है सभी उम्मीदवारों को कि सरकार अभी चुनाव करवाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।